दोस्तों, अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र है तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। यह एक व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया फीचर है जिसमें आप जितने भी आपका चैट है, इमेज है, इसको आप और भी ज़्यादा इसको सिक्योर कर सकते हैं। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों ही यूजर्स के लिए है। पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन है क्या। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस या इमेज होते हैं वो लीक हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये लीक कैसे हो गया और कोई बताता भी नहीं है कि ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। इसी से बचने के लिए व्हाट्सएप ने टू स्टेप वेरिफिकेशन को लॉन्च किया था, जिसको आप इसको सेट कर इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं और इसको और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। डाटा लीक होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आप फ़ोन किसी को दे देते हैं तो वो आपके QR कोड को स्कैन करके आपके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेता है और उसको आसानी से एक्सेस कर पाता है। लेकिन इसी से बचने के लिए व्हाट्सएप ने इसे लॉन्च किया था। इसको ऑन करने के बाद अगर अपना मोबाइल किसी को दे भी देते हैं तो वो आपके मोबाइल को अपने मोबाइल में एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके कोई भी व्हाट्सएप को एक्सेस करना चाहेगा तो सबसे पहले आपके द्वारा सेट किए गए पासवर्ड को उसको डालना पड़ेगा, तभी आपके मोबाइल को एक्सेस करेगा। व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे एक्टिव किया जाता है, चलिए इसके बारे में। इसके लिए आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना ज़रूरी है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे। पहले अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लीजिए, इसके बाद अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, ये जो 3 डॉट है आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा नीचे सबसे, तो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक करना है। अकाउंट के बाद यहाँ से आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको इसको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इनेबल बोलेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ये इनेबल का सीन है, जो इनेबल का आइकॉन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपसे छः डिजिट का पिन पूछेगा, जो अपने हिसाब से आप इसको डाल लीजिएगा। जो भी सेट करना है आराम से इसको 6 डिजिट का सेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से एक बार कॉन्फर्म करने के लिए इसको डालिएगा और डालने के बाद ये अपना ईमेल मांगेगा, तो आप अपना ईमेल इस पर भर दीजिएगा। जो भी आपका ईमेल होगा आप डाल सकते हैं। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको कॉन्फर्म ईमेल बोलेगा, तो फिर आपको ईमेल डाल देना है यहाँ पर जो पहले ईमेल डाला था आपने। और डालने के बाद फिर से यहाँ पर सेव कीजिए। जैसे यहाँ पर सेव कीजिएगा यहाँ दिख रहा है अप्लाई सेटिंग और यहाँ लिख रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल, और आपको यहाँ से डन कर देना है। जैसे डन कीजिएगा आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।